नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार 10 अक्टूबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आज नेताजी के धार्मिक अनुष्ठान के लिए पंडित जी राधा गोपाल वृंदावन से सैफई आए हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को मुलायम सिंह के परिजन नेताजी की अस्थियां लेकर हरिद्वार रवाना होंगी और सोमवार को गंगा नदी में उनकी अस्थियां प्रवाहित की जाएगी। मुलायम सिंह की आत्मा की शांति के लिए उनके निवास पर शाम को समय परिवार के लोगों के बीच गरुण कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 21 अक्टूबर को सैफई में धार्मिक रीति रिवाज के साथ शांति हवन कार्यक्रम होगा, जिसमें ब्राह्मण भोज भी कराया जाएगा और शांति हवन के बाद तेहरवी संस्कार की रस्म अदा की जाएगी। सैफई के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में वृंदावन से आए पंडित राधा गोपाल मिश्रा ने सैफई में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि बुधवार से नेताजी की आत्मा की शांति के लिए सैफई कोठी में हर दिन शाम को गरुण कथा का प्रचलन किया जा रहा है, जिसमें परिवार के सारे लोग मौजूद रहते हैं। वहीं पंडित जी ने बताया कि मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को चुन लिया गया है। अब सोमवार को हरिद्वार जाकर गंगा जी में अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। इसके लिए रविवार को परिवार के सारे लोग हरिद्वार के लिए निकलेंगे।